अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद डीजन। आज मैंने कहा आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस के हवाले से जो है अपडेट दे देता हूँ, ब्रीडिंग प्रोग्रेस पार्ट टू। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे जो हैं इन्होंने क्रेटों से बाहर छलांगें लगा दी हैं। आप ये देखें माशाल्लाह से कितने सारे हैं। इनमें नीचे जो हैं सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बड़े कबूतर बैठे हुए हैं, बाकी ये सारे ही बच्चे हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा इनका करीब से भी होके दो शो करवाता हूँ। अभी क्रेटों के अंदर भी मौजूद हैं कई, और काफी सारे बहरहाल बाहर आ गए हैं। तो ये कलर देखें आप, ये बच्चे का ये कैसा निकला, ये आपके सामने है। ये सारे बच्चे इन्होंने बाहर छलांगे लगा दी हुई, आप तो इनको बस अब कुछ दिनों में मैं सेपरेट कर दूंगा। मैंने कहा आपके साथ में हर बच्चे को जो है कड़ी भी डाल दी गई है। ये देखें कितने सारे हैं, ये सारे बच्चे जो हैं न्यू निकले हैं। ये देख लें इस टाइम मेरे पास ये जो 50 से ऊपर बच्चा निकला था, ये बेर साहब ने बड़े ब्रीडर हैं मेरे। एक बच्चा ये भी है और ये भी एक बच्चा है। ये माशाल्लाह से देखने से कितने चपड़ा बच्चा निकला हुआ। ये नीचे बच्चा है, ये एक बच्चा ये भी बैठा हुआ है। तो बच्चे तो काफी सारे निकले हैं। वो देखें ऊपर, वो भी एक बच्चा है। इसके अलावा दो बच्चे अभी ये अंदर पाल रहे हैं, तो इसमें दोबारा अंडे दे रही हैं। एक बच्चा अभी ये है, इसमें फिर भी दोबारा अंडे दे रही हैं। इस जोड़े ने भी दोबारा अंडे दे दिए हैं, इस जोड़े ने भी दोबारा अंडे दे दिए। तो इस तरह से काफी ज्यादा जो है, एक बच्चा ये देखे अभी ये अंदर है। तो ज्यादातर बच्चों ने जो है छलांगे बाहर लगा दी है। और यहाँ पे भी देख लें, ये इनके ये दो बच्चे थे, ये बाहर आ गए हुए इधर। तो इधर से बच्चे बाहर आ गए हैं, यहाँ से भी इसके दोबारा जो है अगली झोल के दो बच्चे निकले हैं। इनके बच्चे बाहर आ गए हैं, इसके भी बाहर आ गए हैं और इनके भी। तो ये बच्चे, एक बच्चा ये भी बैठा हुआ है क्रेट के अंदर, एक ये इसमें भी बैठा हुआ है, ये देखें। और ये देखें। तो मैंने कहा मैं आपके साथ जो है ये अपडेट शेयर कर देता हूँ कि ब्रीडिंग कैसी हुई है और क्या मतलब कि उनकी प्रोग्रेस है। ये आपके सामने है और सामने वाले केज में भी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी है। ये इधर का सारा जो है व्यू है, और ये इधर सामने वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ये दो बच्चे निकले हैं, ये अंडों पे बैठी हुई है, इसने दोबारा अंडा दिया है, पहले अंडे खराब हो गए थे। ये दो बच्चे हैं, ये भी दो बच्चे निकले हुए हैं, ये थोड़े लेट सेट किए थे, ये भी दो बच्चे निकल आए हुए हैं। ये एक बच्चा है, दूसरा अंडा खराब हो गया हुआ है, और ये भी अंडों पे बैठी हुई है। और इस तरह से ये नीचे भी एक बच्चा है, ये अंडों पे बैठी हुई है, ये भी अंडों पे है, और ये दो बच्चे हैं, ये पीछे भी एक बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रीडिंग अपडेट थी। मैंने कहा आप सबके साथ जो है मैं शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को जो है। और मैं एक दूसरी बात जो आपको बता दूं कि मैं जो हूँ ब्रीडर कबूतरों को, ये देख लें, ये मतलब मिक्स दाना देता हूँ। ये दाना पड़ा हुआ है, ये अभी डालना है, ये मैं इनको मिक्स दाना देता हूँ। ये मैं अभी इनको डालता भी हूँ, ये देखें ये मिक्स दाना है, इनके लिए डाल देता हूँ मैं। मिक्स दाना इनको दिया जाता है ब्रीडर कबूतरों को, और मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रीडर कबूतर जो है उनको अपने जाल में बाहर ना निकालूं, उनको अंदर ही रखूं। उससे फायदा ये होता है कि इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड करते हैं। तो ये सामने टैडी कबूतर है, इनका ढीला लग रहा है, अब इसका इलाज वगैरह करता हूँ मैं। बाकी कबूतर माशाल्लाह फिट हैं, बच्चे आपके सामने हैं, कितने सारे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों का शेयर करें, और साथ में अपने कबूतरों को जो है कोई भी कैल्शियम पाउडर जरूर इस्तेमाल करवाएं, 0 नंबर की चिप्स वगैरह भी इनको देते रहें, तो उससे आपके कबूतर इंशाल्लाह सेट रहेंगे और वो बीमारियों से महफूज रहेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे, जिस तरह के ये सारे आपके सामने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों का शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन के ऊपर जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।